हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और शाम का टाइम था, ये दीदी की बेटी का बर्थडे था, इन्होंने दोपहर में फ़ोन किया। ये केक तो मुझे सबसे सुंदर लगा, यूनिकॉर्न का, और ये इसका तो एक्साइटमेंट अलग लेवल पर था। बहुत क्यूट लग रही थी, लाइट लेमन पिंक येलो में फ्रॉक थी ना, तो काफ़ी क्यूट लग रही थी। और इसका डेकोरेशन है, बार बार जब तैयार हो रही थी बार बोल रही मेरी फ्रेंड नहीं आई, तो सभी लोग हंस रहे थे कि इसको फ्रेंड की कितनी एक्साइटमेंट है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि सबको भी होती है। देखो इतना मतलब अभी बिल्कुल सीरियस मूड में खड़ी हुई है, केक को देख रही, बोल रही मेरा केक है मेरा, ऐसा मतलब सबको बोल रही थी। और ये देखिए बच्चे बैठे हैं, बड़े छोटे, और जो भी दीदी के अगल बगल के थे दीदी लोग, वो सब लोग हैं। तो अभी आप लोग देखिए, पूरा इंजॉय कीजिए आगे का।
वहाँ पे सारी फ़ोटोशूट हो गई थी। अब सिर्फ लग रहा था, प्लेट लग रही थी बच्चों की, जो बच्चों को जो जो पसंद था वही दीदी बोली वही रखना। और ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे फिर वेस्ट भी करते ज़्यादा, इसलिए जो बच्चों को पसंद है वो ज़्यादा रखो, और बच्चों को नूडल्स वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो सबसे पहले वही रखी जा रही है बच्चों के लिए। बच्चे इंजॉय खा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ बच्चों की फेवरेट होती है नूडल्स है वो ही मिली। आजकल बच्चे ज़्यादा खुश हैं तो हर जगह काम दे दिया जाता है बनाने का, अलग अलग आइटम देते हैं उनको मिक्स करके ज़्यादा ही बड़े बच्चे डाइजेस्ट करना चाहिए ठीक है ना, ऑयली भी रहता है, हैवी भी रहता है, लगाई थी वहाँ रख लिया था बीच में।